भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज यानी बुधवार शाम 6 बजे पार्टी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के समर्थन में रोड शो करेंगे। शाह का रोड शो पुराने शहर के मुख्य इलाकों में घूमेगा। रोड शो भवानी चौक से शुरू होगा, इसके बाद सुभाष चौक, लोहा बाजार, धोड़ा नकास होते हुए बस स्टैंड चौराहा तक रोड शो करेंगे। इसको देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान बनाया है। इसके अनुसार रोड शो के दौरान इस रास्ते पर सभी प्रकार के आम वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। भोपाल बना अखाड़ा, प्रचार के लिए आ रहे हैं दिग्गज। भोपाल में अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल पूरी ताकत लगा रहे हैं। दोनों ओर से कई बड़े चेहरे प्रचार के लिए आ चुके हैं और कई आने वाले हैं। भाजपा प्रत्याशी का नाम कांग्रेस प्रत्याशी के मुकाबले देरी से घोषित हुआ। उनके प्रचार पर भी 3 दिन का बैन लग गया। यहां भाजपा अपने दिग्गजों पर ज्यादा भरोसा जता रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बुधवार को यहां रोड शो करेंगे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां कई सभाएं कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी प्रबुद्ध जनों से चर्चा और केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी उनका प्रचार कर चुकी हैं। आने वाले दिनों में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण व उप सीएम योगी आदित्यनाथ के भी प्रचार के लिए यहां आने की संभावना है। कांग्रेस के लिए प्रचार करने आएंगे ये दिग्गज। कांग्रेस के प्रचार के लिए उसके नेता तो आ ही रहे हैं, उनके अलावा दूसरी फील्ड में काम करने वाले भी आ रहे हैं। ये लोग सीधे तौर पर कांग्रेस के प्रचार की बात स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन प्रज्ञा की उम्मीदवारी और भाजपा का विरोध जरूर कर रहे हैं। इनमें अब तक सामाजिक कार्यकर्ता अग्निवेश, लेखक गीतकार जावेद अख्तर, फिल्म कलाकार स्वरा भास्कर आदि यहाँ आ चुके हैं। कांग्रेस नेताओं में भूपेश बघेल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, नवजोत सिंह सिद्धू, राज बब्बर, राजीव शुक्ला आदि यहां आ चुके हैं। आने वाले दिनों में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, हाल में भाजपा से कांग्रेस में आए फिल्म कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा के भी भोपाल आने की संभावना है। ये है प्लान। पुराने भोपाल के रास्तों पर जाने से बचें। रोड शो के दौरान सभी आम वाहन रहेंगे प्रतिबंधित। लाल घाटी चौराहे से सभी प्रकार की बड़ी बसें और वाहन रॉयल मार्केट की ओर न जाकर वीआईपी रोड से होकर रेत घाट के रास्ते आ जा सकेंगे। इसी प्रकार रेत घाट से मोती मस्जिद की ओर कोई भी बस एवं बड़े वाहन नहीं जा सकेंगे। भवानी चौक पर कार्यक्रम के दौरान अन्य 4 पहिया एवं 2 पहिया वाहनों को जरूरत के अनुसार परिवर्तित मार्ग पर चलाया जाएगा। एम्बुलेंस एवं आपातकालीन वाहनों के लिए मार्ग पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। रोड शो के घोड़ा नकाश से बस स्टैंड की ओर प्रस्थान के दौरान लगभग शाम 7 बजे से हमीदिया मार्ग पर अल्पनाथ तिराहा से बस स्टैंड, भोपाल टॉकीज से बस स्टैंड, हनुमानगंज समानांतर मार्ग से बस स्टैंड की ओर सभी तरह के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। हमीदिया रोड पर ट्रैफिक के डायवर्सन के समय भोपाल टॉकीज से सिंधी कॉलोनी, कबाड़खाना, अग्रवाल धर्मशाला, पुठा मिल रोड, समानांतर मार्ग और अल्पनाथ तिराहा मार्ग आम नागरिकों के लिए दोनों ओर से आने जाने के लिए उपलब्ध रहेगा।